सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ गुरु गरीब निवास तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं तू ठाकुर ऊच भगवान तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं तू ठाकुर ऊच भगवान चुको चुक अटल सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच सुभाईमान सतसंगी प्यार वालियो देव असीसा अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक विद्वान पुरुष का वचन है, जदों भी कदे दुनिया के अंदर कोई मनुख किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाए तो सियाणा डॉक्टर उन्हें खून देके उसकी जिंदगी अरोग करता है। बिल्कुल इस तरह जदों कदे कौमां कमजोर हो जाना वो शहीदां दे खून नाल फिर दोबारे ताकतवर होया करदियां ने। शहीदां दा खून ही डिगियां होईयां कौमां नूं उठाया करदा है। दूजे शब्दां विच मैं बेनती करदे आं, इउं कह लईए भी जिहड़े अज साडी जिंदगी दे सुख ने ये शहीदां दे दित्ते हुए खून दा ही उहनां दा असीं अज ये सुख मान रहे हां। एक भाई शेर सिंह कश्मीरी होए ने, उन्हें एक बचन लिखिया बड़ा प्यारा। वो कहिंदे ने आम कौमां दा जिहड़ा इतिहास है वो स्याही अते कलमां नाल लिखिया होया, लेकिन एक सिख धर्म अजिहा है जिहड़ी कौम दा इतिहास लहू दी स्याही बनी हुई है ते कलम दी थां ते खंडे दी नोक ने लिखिया होया। इहो कौम है। पहलों मैं एक बेनती होर कर दिया, मैं चिते आ गई, फिर गल अज शुरू करने। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पिता जी बड़ी निकली जी उम्र विच ने, याद रखने योग बात है, गुरु रामदास जी के तिने पुत्रां विचों गुरु अर्जन पातशाह जी सब तो छोटे पुत्र ने, बाबा पृथ्वी चंद वड्डे ने, बाबा महादेव दूजे ने, गुरु अर्जन पातशाह जी तीजे पुत्र ने। बड़ी छोटी जी उम्र है निकली जी, ते माता जी ने बीबी भानी जी ने एक बारी अपने वालों एक गेंद बना के उदो उन्हां वेलियां विच खिद्दो कहा करदे सन, कपड़े दी बना के वह गेंद दे दित्ती, वह खेडदे ने। हुण गेंद वड्डी हथ छोटा है, अपने वालों पकड़न की कोशिश करदे ने, अगे रुड़ जांदी है, रुड़दियां रुड़दियां गेंद वह गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन अस्थान है ते उन्हां दे आसरां दे नेड़े वड्डे दरवाजे लगे हुंदे सन, थोड़ा जिहा खुल्ला है दरवाजा अंदर चानण लई, थोड़ा जिहा दरवाजा खुल्ला है ते उह जिहड़ी गेंद है उह रुड़ के अंदर चले गई। हुण श्री अर्जन जी अपने वल्लों रुड़दे ने, हाले उन्होंने दोवें गोडे धरती ते ला के जिवें बच्चा रुड़दा है एक हथ ला के दरवाजा खोलना चाहिया पर भारी है नहीं खुलिया, फिर दूजे हथ नाल दरवाजा खोलना चाहिया भारी है नहीं खुलिया, आखिरकार उन्हां दोवें हथ धरती ते लाए, दोवें गोडे धरती ते लाए हुए ने, अपना सिर लाया दरवाजे नाल ते सिर दे जोर नाल दरवाजा खोल दिता। जदों वह दरवाजा बार बार खड़कदा सी हथ लाउण नाल, गुरु अमरदास जी बड़े ध्यान नाल देख रहे सन, अज जदों सिर दे नाल दरवाजा खोलिया गुरु अमरदास जी ने आके घुट के गलवकड़ी च लै लिया, मस्तक चुमिया, बीबी भानी कोल आ गई जिहड़ी उन्हां दी धी है भी गुरु अमरदास महाराज जी दी, वह कोल आ गई, कहन लगी सतगुरु जी
खिमा करियो जे जदों भी मैं कोई सेवा कर लगदी एडा चलाक हो गया ए पता भी नहीं लगदा भज के कदों तुहाडे कोल आ जांदा मैं बथेरा रोकण दी कोशिश करनी है। साहब कहण लगे अज हस के कहण लगे बच्ची भानीए तेरा पुत ए चलाक नहीं होया चलाक ते पृथ्वी चंद है तेरा पुत ते सियाणा होया। कहण लगी पिता जी इनी छोटी जी उम्र विच इने केड़ा सियाणप दा कम कर लिया। साहब ने एक बचन आखिया सी कहण लगे बच्चीए तेरे पुत्र ने अज दरवाजा सिर दे के खोलिया याद रखी जे धर्म दे दरवाजे खोले रखने ते सिर देने ही पैंदे ने धर्म दे दरवाजे हमेशा सिर दित्या ही खुले रहिंदे ने धर्म दे दरवाजे सिर दित्या बिना खुले नहीं रहिंदे। इउं प्रतीत हुंदा जिवें गुरु अर्जन पातशाह जी दा ओ आखिया होया बोल अज सच हुंदा। मैं गल नेड़े करदे आ अज आपां भाई मनी सिंह जी दे तीसरे पुत्र की बात करन लगे हैं। फिर इत्थे एक गल रोक के बेनती करदे आ भाई मनी सिंह होरां ने मैं पहले दिन अर्ज कीती सी उन्हां छे अपने पुत्रां समेत अते आप पहली बैच विच अमृत छकिया पहले ग्रुप च अमृत छकिया जो पंजा प्यारियां तो बाद विच ते पंज ही प्यारे पंज ही पुत्र अपने गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह की हजूरी विच उसे दिन अरदास करवा दिते पंज ही पुत्र गुरु पातशाह अज तो बाद तेरे होए और एक दिन भी उन्हां तो अपना घर का कदे काम नहीं करवाया वह गुरु चरणा विच ही रहे। उन्हां पंजां विचों सतगुरां ने पंजां दे नां दे उत्ते एक हुक्मनामा भी लिखिया ये मेरे फरजंद ने ये मेरे बहुत प्यारे पुत्र ने ते इन्हां दी सेवा करिया लोक परलोक विच सुख मिलेगा। अज भी कलगीधर पिता दा लिखिया होया हुक्मनामा वह अज भी सानू मिलदा है। मैं बेनती करन लगा सां उन्हां विचों तीसरे पुत्र दा नां आपां पहले दा नां पहलां विचार चुके होए हैं भाई चित्र सिंह दूजे का नाम भाई विचित्र सिंह तीजे का नाम अज भाई उदय सिंह चौथे का नाम भाई अनख सिंह अज आप दोनों की विचार करनी है। भाई उदय सिंह इहदा जन्म अक्तूबर के महीने 1665 नूं होया याद रखने योग बात है 1663 नूं भाई विचित्र सिंह होरां दा जन्म होया 1665 नूं इस गुरु के प्यारे भाई उदय सिंह दा जन्म होया। एक कलगीधर पिता तो एक साल वड्डे ने 1666 विच कलगीधर पिता दा प्रकाश हुंदा ए एक साल वड्डे ने सतगुरु जी तो उम्र दे विच खिमा करे जे कई बारी शब्द वरतने पैंदे ने ते ए सतगुरु सच्चे इहदा भी जन्म अलीपुर मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान दे विच जो धरती है जिथे भाई मनी सिंह होरां दा प्रकाश होया जन्म होया ये भी उत्थे ही जन्मे ने ते इन्हां ने भी जन्म लेके पिता वांगू अपने गुरसिखी धारण कर ली। इहदा नाम पहला उदय राम है जदों अमृत संचार होया इहदा नाम भाई उदय सिंह रखिया गया ये भी कलगीधर पिता दे चरणां विच उसे तरह जुड़ गया जिवें अपने बजुर्गों की गल है। मैं एक बेनती होर कर दिया नाल दी नाल ये गल चेता रखियो ये भाई मनी सिंह दे पुत्र ते पोतरियां दी बात चल रही है। दूजा पाखे दा नाल नाल ख्याल करियो लखी शाह बनजारे दे ए दोतरे ने क्योंकि लखी शाह बनजारे दा जवाई है भाई मनी सिंह भाई मनी सिंह दे पुत्रां दी विचार चलदी है ते लखी शाह बनजारे दे दोतरियां दी गल चलदी है नाल दी नाल ये भी पक्ष इतिहास अपना दिमाग च रखियो जरूर। जे भाई उदय सिंह ने गुरु की सिक्खी धारण की रब का सबब 1696 दे 1693 च इहदी शादी हुंदी है 1696 दे विच रब का सबब इन्हें अपने वालों एक बारी शिकार किया ते उदों शेर मारिया। इत्थे मैं फिर रुकना चाहुंदा इतिहास दीआं कई गल्लां अजिहीआं ने जिहड़ियां रोक लैंदीआं ने। सब तो पहली मैं बेनती करां जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ग्वालियर के किले विच सन कैद जालम दी अखना उदों जदों ग्वालियर के किले विच ने उदों जहांगीर दे कोल भाई जेठा एक गुरु का सिख है ये बड़ा चढ़दी कला दा सिख होया भाई जेठा एक गुरु का सिख है इन्हें दरबार विच जहांगीर ने एक वचन आखे ते इन्हें भाई जेठे ने वचन आखिया जवाब दिता कहण लगे ओ भलिया तू सिखां नाल इहो जी विचार ना कर ये मत सोच सिख तां गुरु दे हुक्म दे बन्ने होए ने
तेरा ग्वालियर की साडे गुरु नूं रख सकदा है, तेरी जहांगीरा की ताकत है तू साडे गुरु नूं रख सके। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਤ ਬਚਨ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਤਰਵਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਤਰਵਾਈ, ਪੰਡ ਤਰਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਡਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਖ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪਕ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਬਾੜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਲੂਆ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 1696 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਛੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਿਆਂ 'ਚ ਟੰਗਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਧਾੜਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਏਕ ਤਰਫ ਖੁਦ ਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰ,
खुदा तो एक तरफ खुद से भी दूर होता है बशर जब ताकत के नशे में चूर होता है। जब उसके हाथ में ताकत हो ना फिर वो खुदा तो एक पासे अपने आपे की भी पहचान नहीं कर पाता। एक केसरी चंद इवें दी ताकत विच उलझिया होया इनू अपने मन के उत्ते बड़ा माण है। मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सीस लेके जावांगा जदों ए लोहगढ़ दी लड़ाई होई भाई उदय सिंह अगे होके लड़िया इन्नी जान वार के लड़िया उन्हें अपने वालों कोशिश की अग दे फराके वांगू निकल के चला गया। केसरी चंद दा सिर जा वड्डिया केसरी चंद दा सिर वड्डिया वह थले डिगया धर उहदा हजे तड़फदा है। इन्हें गुरु के सूरमे ने केसरी चंद का सिर अपने नेजे उत्ते टंगया नेजे उत्ते टंग के एक बचन कहन लग्या ओ मेरे गुरु दे शीस नूं लैके दिल्ली दरबार विच जाण दीआं गल्लां बनाउण वालिया अज मैं तेरा शीस उसे गुरु दे चरणां विच लैके चलिया जिहदे बारे च तू गल्लां करदा सी। और उन्हें शीस ओ नेजे ते टंग के सतगुरु कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज के चरणों में चले जाके अर्पण कर दिता। साहब सतगुरां ने फिर दुबारे उस वेले भाई उदय सिंह नूं प्यार किया। एक गल एक चेता रखने वाली है मैं बेनती कर दिया एक कलगीधर पिता का बड़ी वड्डी महानता है शायद किसी च दुनिया च ना होवे। मैं तां ना कहना शायद क्योंकि रब दा अंत कोई नहीं रब कुछ भी पैदा कर सकता है अपने वालों लभे इतिहास विचों इहो जिही मिसाल नहीं लभदी। गुरु गोबिंद सिंह जी की तीर की नोक नूं भी सोना लग्या हुंदा सी सवा तोला ताकि मेरे तीर नाल भी किसी की मौत हो जाए उहदी काया किते रुलदी ना फिरे उहदे तीर दे अग्गेओं ओ सोना ला के उन्नी को दे किरिया कर्म करन जोगे पैसे मिल जाण ओ अपने धर्म कर्म अनुसार किरिया कर्म सके उहदे लाश ना रुलदी रवे। जदों भाई उदय सिंह ने केसरी चंद दा सीस लिया के गुरु चरणा विच रखिया साहब ने उसे वेले किया कहन लगे कोई गल नहीं हंकारी सी अपनी मौते मारिया गया पर एदा एदी अकीदे अनुसार एदा जीवन दा संस्कार कर दियो ए मेरे गुरु दा विडप्पण है ए मेरे सतगुरु की वड्याई है। गुरु ने कदे किसी ना कोई नफरत या ईरखा वाली बात नहीं की। खैर गल नेड़े करा 1700 की बात है ये 1700 दे विच ए जंग लड़ी गई 1703 दे विच आनंदपुर साहब की धरती दे उत्ते एक द्वारका दास आके रोया है। दास ने कद पहलों भी की सी छोटी जी पर अज उहदी लोड़ है। द्वारका दास आके रोया है इहदी घरवाली नूं जबर खान नां दा इक बसी हुशियारपुर दे इलाके विच रहण वाला है उहने आके इहदी घरवाली नूं चुक लिया जन्म लै गया माड़ी नीत है ते उह आके हुण खालसे दे दरबार विच रोंदा है उह आके गुरु चरणां विच रोंदा है उह आके सतगुरु दे दर ते रोंदा है हजे खालसा साजिया नहीं गया ख्याल करियो जी। इस 1703 की बात है खिमा करे जी खालसा साजिया गया खिमा करे जी मेरी बातों 1703 की बात है ते उदों द्वारका दास आके खालसे दे दरबार विच रोंदा है एक कृपा करो मालक प्यारियो मेरे अज जिंदगी की सांझ इस वेले मेरे बड़े देवी देवते ने मनण वाले जे मैं गल मनण की करा ना तो मनण नूं देवी देवते बथेरे ने जे मैं पूजन की गल करा पूजन लई देवी देवते बथेरे ने पर जेड़ा मैनू औखी घड़ी विच कम आ सके ओ इस वेले कोई नहीं। एक कृपा करो प्यारियो साडे बजुर्गां दा जनेऊ बचाउण वालियो साडे बजुर्गां दा धर्म बचाउण वालियो साडे पुराने बजुर्गां दीआं इज्जतां बचाउण वालियो अज मैं तुहाडे दर ते आके फिर एक बेनती करदा मेरी घरवाली नूं चुके लै गए जन्म ते मेरे विच जां मेरे देवी देवतिआं विच मेरे भाईचारे विच किसे कोल ताकत नहीं आ उह छड़ा के लै आउणा। इत्थे एक बेनती मैं फिर करनी चाहुंदा इतिहास की लड़ी नूं रोक के नाल दी नाल मेरा जी करदा आपां इह गल्लां नूं विचार दे जाइए। दुनिया के अंदर लड़ाई के तीन ही कारण ने जर जोरो जमीन विद्वान पुरशां ने बचन लिखे ने। जर पैसे नूं कहिंदे ने या लड़ाई केवल पैसे खातर हुई है दुनिया च कदे भी लड़ाई हुई है तो पैसे की खातर हुई है। जर जोरो जोरो कहिंदे ने इस्तरी नूं या कदे लड़ाई हुई है संसारक तौर पर वह इस्तरी खातर हुई है।
जां कदे लड़ाई हुई है जमीन धरती दे टुकड़े दी खातर हुई है, पर याद रखने योग बात है एक कलगी धर दा घर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा घर जां उहदे नाल दे जिन्ने भी सिख सूरमे ने उन्हां विचों किसी की भी लड़ाई जर जोरो जमीन खातर नहीं है, ना ते कदे गुरु घर की किसी इस्त्री की खातर जंग लड़ी गई, गुरु दे इस्त्री गुरु घर की किसी इस्त्री की खातर जंग नहीं लड़ी गई। हां दूजिया इस्त्रियों खातर गुरु घर ने जंग लड़ी, यह गल वक्री, मनुखता की खातर जंग लड़ी यह गल वक्री, ना गुरु ने कदे धन की खातर जंग लड़ी है। हां किसी का लुटिया हुआ धन गुरु ने मुड़वाया होगा, किसी दियां चुकिया हुई धियां बच्चिया गुरु के घर ने मुड़वाइया होणगियां, किसी की लुटी जाती इज्जत पट गुरु ने मुड़वाई होगी, पर यह नहीं भी कदे किसी की इज्जत पट लुटन की गल की हो। गुरु घर की महान वडियाई है। फिर तीजी गल जमीन का टुकड़ा, जमीन दे टुकड़े दी तां गल छड़िए प्यार वालियो, जेड़े अपने बसाए हुए ने आनंदपुर साहब अपना बसाया हुआ तुंग दे इलाके दे जिमीदारां कोलो जमीन मुल रह के, तुंग दे इलाके दे उत्थे जिमीदार सन उन्हां कोलो जमीन मुल रह के यह बसाया सी आनंदपुर साहब, अमृतसर साहब की धरती ते आनंदपुर साहब की धरती साडी मुल खरीदी हुई धरती है, याद रखण योग बात है। जदों उन्होंने इवें बेनती कर रहा सा सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस धरती उत्ते ना कदे अपनी जमीन दे खिते दी खातर, मैं ते बड़ी बारी अर्ज करना दुनिया केवल ते केवल औलाद नू अते औलाद वास्ते बचाउंदी है, कलगीधर पिता ना तू अपनी औलाद वास्ते बचाया, नमस्कार तेनू ना तू अपनी औलाद नू बचाया, ना औलाद नू बचाया ना औलाद वास्ते बचाया, कुछ भी अपने बच्चों वास्ते ना रख गया, कुछ भी अपने बच्चों नू ना छड़ गया, अपने बच्चों नू भी ले गया, अपनी औलाद वास्ते भी कुछ ना छड़ गया। जो कुछ दिता है वह सिख वास्ते दिता है, जो झोली पाया वह सिखी की झोली विच पाया है। द्वारका दास अज आके रोंदा है पातशाह कोई मिलेगा ते पत लुटन वाला मिलेगा, एक तेरे सिख दे अंदर इहो जी जाच तो भरी है, जेड़ा पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र दा धार नहीं हुंदा है, जेड़ा अपने जीवन नू कदे मेला नहीं होण दिंदा, जीवन नू अत दा ऊंचा चुके रखदा है, मालिक जी ओ कृपा करो ते अज मेरी उस घरवाली नू कोई मोड़ के लिया सकदा है ते केवल तेरे सूरमे ने। सतगुरु कलगीधर पिता ने अपने वड्डे पुत्र बाबा अजीत सिंह नू अते नाल ही इहदे भाई उदय सिंह नू, इसे भाई उदय सिंह नू भाई मनी सिंह दे इस पुत्र नू सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने नाल भेजिया, ते ए ओ द्वारका दास दी घरवाली नू छड़ा के ही नहीं लैके आए, बल्कि जबर खां नू भी सोध के उस बसी तो हुशियारपुर तो गुरु चरणा विच आके हाजिर हो गए। साहब सच्चे पातशाह ने फिर कृपा की, याद रखने योग बात है इस गुरु के प्यारे भाई उदय सिंह दे पांच पुत्र ने, इहदे पांच पुत्र ने अगे खिमा करो जे सत पुत्र ने, सत्तां विचों पांच शहीद ने, इहदे सत पुत्र ने भाई महबूब सिंह, भाई अजूब सिंह, भाई फतेह सिंह, भाई अलवेल सिंह, भाई बाघ सिंह, भाई अनोख सिंह, भाई मोर सिंह, इहदे सत पुत्र ने, सत्तां विचों पांच शहीद होए ने। ओ पांच कित्थे कित्थे शहीद होए ने यह गल लंबी हो जाती, फिर लड़ी विचों आपां बाहर हो जाने। एक पुत सतारा सौ ग्यारह विच शहीद होया, एक पुत सतारा सौ तेरह विच शहीद होया सढौड़े दे जंग विच, एक पुत फिर मगरों जाके शहीद होया। मैं उधरले पासे गल ना लैके जावां, अपनी गल वल चलां। सढौरे दे विच चलो बाबा बंदा बहादुर सिंह ने जंग लड़े ने, बाकी पोते ने बाबे बंदे बहादुर दे वेले जंग विच शहीद होए ने। मैं गल लंबी ना करा, जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा सां, इहने भाई उदय सिंह लैके आया है ते सतगुरां ने अज इहनूं फिर सत्कार दित्ता है, फिर बड़ा प्यार कीता है, माण होवेगा गुरु नूं, तां ही अपने पंज पुत्तरां दे नां ते हुक्मनामा लिखिआ ना भई इह मेरे पंज पुत्तर ने, मेरे फरजंद ने, इह मेरे पुत्तर ने जिन्हां ने उत्ते मैनूं बहुत माण है। एक पल मैं फिर रोकण लगा गलों, सानूं ते हुण हुक्मनामिआं दा भी नहीं ना पता, कितने वक्त मिलिआ हुक्मनामे भी एक बड़ी अहम चीज ने, उहदे विच एक छोटी जी विचार मैनूं चेते आ गई, मैं गल सुनाउणी चाहुंदा।
गनी खां ते नबी खां उन्हां नूं भी हजूर ने एक लाइन लिख के दिती सी, अपने वल्लों एक पंक्ति लिख के दिती सी, तुसी मेरे अलीक पुत्र हो, तुसी मेरे अलीक पुत्र हो, यह लिख के दिता सी। ते जदों ये गनी खां अपने वल्लों कोशिश करदा है, ये एक बहुत सोहनी रुमाले विचों लपेट के रखिया होया इस पंक्ति नूं, इस कागज़ नूं, ते जदों कदे कोशिश करदा है उन्हूं खोलदा है, मस्तक ते लाउंदा है, बड़े प्यार नाल छाती नाल लाउंदा है, ते उन्हूं बड़े प्यार नाल पढ़दा है, ते अखां विच अथरू आ जांदे ने। इस गल नूं देख के शरीर ते झरनाठां छिड़ जांदियां ने। उहदी कुछ छोटी जी एक बच्ची है, 5 कु सालां दी, अज इहने एक वचन कीता, कहण लगी पिता जी इस इहदे विच की चीज़ है जिहड़ी एड्डी संभाल के रखदे हो, इहदे विच कहड़ी चीज़ है जिहड़ी एड्डी संभाल के रखदे हो। उहनां बच्चन आके कहण लगे पुत्री सानू कलगीधर पिता जी महाराज ने यह बचन लिख के दिता सी, तुसी साडे अलीक पुत्र हो। कहन लगी अलीक पुत्र की हुंदा है? कहन बच्ची है छोटी, उन्हें दसिया, कहन लगे जदों उहदे अपने पुत्र सन, किसे ने पुछिया सी तेरे पुत शहीद हो गए, गुरु ने बचन आखिया सी धरती ते लकीर वाके, छेवें पातशाह ने भी इवें कीता सी, लकीर वाके आखिया सी, लकीर मिटा दित्ती। कहन लगे जिवें लकीर मिटाउंदियां लकीर वाउंदिया कदे कोई खुशी नहीं हुंदी, लकीर मिटाउंदिया कदे कोई दुख नहीं हुंदा, मेरे पुत इवें भी इवें दे शहीद हो गए ने। चेते रखियो जे बेनती कर रहा सा। आखिरकार उन्हें बचन आखे कहन लगे ओ पुत्र ता मेरे लकीर पुत्र सन, पर तुसी अलीको, अलीको नू कहंदे ने जिनू कोई ना मिटा सके दुनिया विचों, तुसी मेरे कदे भी ना मिटन वाले पुत्र हो। उन्हें बचन आखे इन्ने प्यार विच भिज गई, कहन लगी अबा एक बारी होर पढ़ दे, उन्हें फिर पढ़ दिता तुसी मेरे अलीक पुत्र हो। बच्ची बैठी रही, कहंदी अबा एक बारी फिर पढ़ दे। पिता पढ़दा गया, बच्ची सुनदी गई, पिता पढ़दा गया, बच्ची सुनदी गई, पढ़दियां सुनदियां पढ़दियां सुनदियां दोनों दी अंदर लिब लग गई, मालिक दे चरणां विच प्यार जुड़ गया। आखिरकार बच्ची दे बुल फड़के डॉक्टर बलबीर सिंह ने, भाई वीर सिंह दा भरा है, इहने इक बचन लिखिया बड़ा प्यारा, कहन लगे बच्ची अपनी जबानों बोली मैं पोती, मैं पोती, मैं कलगी धर दी पोती, मैं गुरु चरणा नाल परोती, मैं एक आबदार मोती। उन्हें उस वेले हाथ जोड़े गनी खाने, बच्ची दे मुंह ते हाथ रखिया, कहन लगे बच्चिए खुशी है तेनू अंदरों कलगीधर पिता दे चरणा विच प्यार बन गया, पर ए गल जबानों बाहर नहीं जे कजनी, सिखी दा ए भी एक कर्म है, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए उधारी उहदा हुंदा जिहड़ा खा के वस्तु नूं पा के भी अंदर पचा लवे, अंतर आत्मे टका लवे। कहन लगे बच्चिए तेनू रब ने दात दिती है। बच्ची ने आख्या कलगीधर पिता ए ना कमी, तू अपना पुत्र ही कोई ब्याया, मेरे घर पुत पोतरा नहीं पैदा होया, पर मैं तेरी पोती है। बचन फिर दोहरा दिया मैं पोती, मैं पोती, मैं कलगीधर दी पोती, मैं गुरु कलगीधर पिता दी पोती है, सच्चे पातशाह मैं तेरे चरणां दे नाल परोती है। जड़ी बेनती कर रहा सा, कलगीधर पिता ने इन्हां 5 पुत्रां दे नां ते भी हुक्मनामा फरजंदे, अपने प्यारे पुत्र कह के उन्हां नूं हुक्मनामा लिखिया। भाई उदय सिंह 1705 सन आ गया जदों गुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने इस आनंद की पुरी नूं छड़ना है। यह वक्त आ गया जदों आनंद की पुरी नूं छड़ना है। आखिरकार सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने वालों जिमे दे जथे बनाए सन, ते उमे दी ओ कमांड लेके आ रहे ने। भाई उदय सिंह दे जथे विच 51 सिख ने, 51 सिंह ने जदों ए उत्थों निकले ने आनंदपुर साहब तों। हुण अगे आके एक काली बोली रात, दूजा कारण ए सामने सरसा चढ़ी हुई, तीजा कारण ए उत्तों मीह पै रहा है, चौथा कारण ए पिछों जालम ने सारियां कसमां तोड़ के अपने अकीदे भुल के सारी जिंदगी दी गल छड़ के उन्होंने हल्ला कर दिता। कलगीधर पिता ने केवल आवाज मार के बचनी इन्हां कहा इन्हां जालमां नूं सोधना प्यारे हो। ते भाई उदय सिंह ने सरसा दे किनारे, सरसा दे लागे एक शाही टिब्बी है उस इलाके विच,
शाही टिब्बी दे उत्ते भाई उदय सिंह 51 सिखां दे समेत सिंघां दे समेत उत्थे डट गया। भट्ट बइयां चो इतिहास मिलदा है, भट्ट बइयां चो जिक्र मिलदा है, भाई उदय सिंह ने खूब अपने वलों आहू लाए। जिक्र मिलता है 22 घड़ियां यह गुरु का प्यारा लड़ता रहा, 22 घड़ियां उदय सिंह दे बरछियां अत अत मचाई। सिंह जो आवे सूरमा को किथे जाई, जेड़ा अगे कोई सूरमा आउंदा भज के किथे जांदा है। ए प्यारा सिंह पद्म ने पंजाब दियां वारां उदे विच भाई उदय सिंह दा जिक्र कीता है। पंजाब दियां वारां प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने यूनिवर्सिटी की छापी हुई किताब है, बड़ी प्यारी है, कितने वक्त मिले जरूर पढ़े। उन्हें बेनती करना चाहना, जड़ी गल अर्ज करना चाहना, उन्हें बचन आखे ने कहने सिंह कट्टे सिर कट्टे जो तुंबड़े बहु आत्मचाई, सिर कट्टे जो तुंबड़े बहु आत्मचाई, उदय सिंह विच खेत दे अमर पदवी पाई। कहिंदे ऐ उदय सिंघा तू इस जंग दे मैदान विच परम पदवी नूं प्राप्त हो गया है। उत्थे जिक्र आया 22 घड़ियां गुरु का प्यारा जंग लड़दा रहा है। 22 घड़ियां नूं अज दे विद्वानां ने उन्हों अज दे मिंटां विच तब्दील करके दस्सिया 288 मिंट बनते ने, जिन्हों पौने 5 घंटे कह सकते हैं। एक पल इत्थे ख्याल करियो, पौने 5 घंटे जंग लड़ना गुरु के प्यारे ने, और जिथे हजारां दी नी लखां दी गिणती विच फौज होवे, लखां दी गिणती विच उन्हां 51 सिखां दे विचों मुखिया होके भाई साहिब दा 5 घंटे तेग बौना, तुसी आप सोच के देखो। इतिहासकार लिखदा है कहण लग्या जे किते ओदी शहीदी ना हुंदी, हो सकदा ओदी तेग हाले भी थमदी ना, हाले भी जालमां नूं सोधदी रहिंदी। शाही टिब्बे दे उत्ते भाई गुरु के प्यारे भाई मनी सिंह दे पुत्र कलगीधर दे प्यारे भाई उदय सिंह दा डुल्लिया होया खून अज भी एक खुशबू दिंदा। सिखा जेड़ी दात तू अज अपनी झोली विच लई बैठा होए, बड़े महले महंगे मुल दी है, ए सिक्खी कोई सस्ती नहीं, ए सिर दे के लई होई है, ए उन्हां लोकां दी सिक्खी दे आसरे चल रही है जिन्हां ने अपने आपे इवें कुर्बान कीते, गुरु चरणां विच अपने आपे वाले ने। एक विद्वान पुरश का बचन है, मैं कह दिया, वो कहिंदे ने जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। कहन लगे जदों शहीदां दा खून डुलदा है ना, एक होर बचन कहिंदे नाल दी नाल कई चेते आ जांदे ने, खिमा करे जे उस विद्वान पुरश ने बचन लिखिया, कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्लों कि असी राजियां दे बहुते पूर जम्मे, आउन वालियां नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने बहुते मंसूर जम्मे। कौमां जग ते ओहियो जिउंदियां ने जिन्हां कौमां नूं मरन दा झल पै जाए, मुल पैंदा सदा कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। प्रोफेसर पूरन सिंह का एक बचन मैनु चेते आया, उन्हें बड़ी कमाल की गल लिखी है, कई गल्ला मैनु विचों चलदियां चेते आ जांदियां ने। उन्हें गल लिखी कहिंदे सजना तैनू गुरु रामदास नूं मिलण की तमन्ना होवे, तेरे अंदर गुरु अर्जन पातशाह के पावन चरण परसन की भावना होवे, तू कदे दरबार साहब जाना चाहुंदा होवे भज के जामी। ओ सजना रास्ते विच साह ना लमी भज के जामी, जदों दरबार साहब दे लागे चला गया चेता रखी, उस थां दे उत्ते जाके बिल्कुल बोच बोच के कदम रखी, टका टका के कदम रखी, जिन्ना हौली तुर सकदा उन्ना हौली तुरी। उन्हें बचन पुछिया पिछों कहिंदे ओ भज के जाई, दरबार साहब दे बिल्कुल लागे जाके कहिंदे ओ सहज सहज नाल तुरी, इहदा कारण की है? कहिंदे सज्जना पिछे जिहड़ा रस्ता ओ आम रस्ता है, जिहड़ा आ दरबार साहब दा रस्ता है जिथे तैनू मैं कहण लग्या कदम रखी चेता रखी, यह ओ रस्ता है जिहदे इक इक पत्थर दे थले ओ पता नहीं किन्ने कु सिखां दा दिल धड़कदा होवेगा। इहदे थां दे उत्ते बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां होईयां ने सिखां ने, ओह इक इक पैर बोच बोच के रखी, पता नहीं किहड़े सिदकी सिख दा इत्थे थले दिल धड़कदा होवेगा।
इथे दरबार साहब के अंदर उन्हें पत्थर नहीं लगे हुए जिन्हें सिखां दे सिर लगे हुए ने। बेनती कर रहे असां अज उन्हां दीयां जितियां हुईयां दातां नूं आपां सुख मानदे हैं। भाई अनक सिंह ए गुरु का प्यारा चौथा गुरु का लाडला है, जिहड़ा भाई मनी सिंह का चौथा पुत्र है। ये भाई अनक सिंह भी ये 1668 विच इहदा जन्म होया। ये भी सतगुरु कलगीधर पिता जी महाराज के चरणों में अपने बजुर्गों वांगू कलगीधर पिता जी महाराज के चरणों में आ गया। भाई मनी सिंह इहनू भी नाल लेके आए ने, चार पुत ने इह, पंजवां अगे आपां कल विचारांगे। पंज ये चार पुत ने ये पंजे लैके कलगीधर पिता के चरणों में आए सन। जदों खालसा साजिया गया इन्होंने अमृत छकिया सी। भाई अनक सिंह उन्हां विचों इक है, इन्हें भी गुरु के चरणों में अपनी जिंदगी अर्पण कर दिती। सतगुरु के दर के अनुसार जिमें गुरु पातशाह ने बचन आके ये बाणी पढ़न का बड़ा शौकीन सी, बहुत प्यार नाल इन्हें रबी बाणी पढ़नी बेअंत प्यार दे नाल। ते सतगुरु के चरणों विचों शस्त्र विद्या भी इन्हें बड़े प्यार नाल सीखी, बहुत प्यार नाल सीखी। शस्त्र विद्या सीख के ने गुरु चरणों के विचों सतगुरु जी के नाल रहना प्रवान किया। जिहड़ियां भी जिन्नियां भी जंगा 1705 तो पहला पहला दियां होईयां ने, सारियां जंगा विच इहने गुरु के प्यारे ने हिस्सा लिया, हर एक जंग दे विच इहने अपना हिस्सा लिया। इहने आखिरकार जदों 1705 दे विच गुरु कलगीधर पिता जी महाराज आनंदपुर साहब नूं छड्डदे ने, तां उन्होंने विचों यह भी गुरु का प्यारा उस आनंदपुर साहब नूं छड्ड के आउंदा है। जदों सरसा दे किनारे विछोड़ा पैंदा है, इहने बड़ा भाल के गुरु कलगीधर पिता दे जथे विच शामिल हो गया ते साहब दे दर ते इक बेनती कीती, मालिक अपने चरणां तों ना विछोड़ी, अपने दर तों ना विछोड़ी, जे तूं मित्र असाजड़ा हिक भोरी ना विछोड़। विसर नाही दा तार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। कलगीधर पिता ने अपने नाल रखिया, बिल्कुल नजदीकियां विच रहा। जदों सतगुरु जी निहंग खां कोटला दे विच आउंदे ने, उदों इह भाई अनक सिंह सतगुरु दे नाल आउंदा है। इत्थे आके भाई जगत सिंह ते भाई बुद्धी चंद इहदा दूजा नां है, ये दोवें जने चमकौर दे ने। जगत सिंह गुरु घर का दुखी है, ये जगत गुरु घर का दुखी है। बुद्धि चंद जिहड़ा वह गुरु घर का श्रद्धालु है। बुद्धि चंद ने आके रोपड़ दे विच बेनती की, पातशाह तुसी कृपा करो, इवें रणे मैदान विच इन्नियां ज्यादा फौजां दे नाल लड़ना यह बिल्कुल अन्याई गल है, बहुत अन्याई गल है। तुसी कृपा करो, मेरे कोल बहुता वड्डा प्रबंध तो नहीं मैं तुहाडियां फौजां नाल मदद कर सकां, मेरे कोल बहुता वड्डा प्रबंध तो नहीं मैं तुहाडे कोल इहो जे कोई असले दा प्रबंध कर सकां, पर सतगुरु गरीब दे कोल इक छोटी जिही गली है, वह है भी कच्ची है, तुसी कृपा करो उस कच्ची गली विच आसन ला लो। सतगुरु जी उस कच्ची गली विच चले गए। याद रखण योग बात है, इस कच्ची गली विच जाके सतगुरां ने आसन ला ले। आखिरकार थोड़ा जिहा हजे दिन लंघिया ते जालमां ने इत्थे आके भी घेरा पा लिया। गुरसनाहे चे कारे कुनद चेहल नार के दै लख बरेओ आज बरो बेखबर, जफरनामे का शेर है। कहन लगे ऐ जालमां 40 भुखे शेरां नूं तू अंदर उन्हां नूं घेरा पा के उन्हां नूं शहीद करके उन्हां ते तशद्दुद करके तू की सोचदा है जालमा, तू बहादुरी दिखाईए। 10 लाख की फौज भुखे शेरां उत्ते ओह भी अचानक आके टुट के पै जाए, ओए औरंगजेब कोई बहादुरी वालियां गल्लां नहीं होंदियां। औरंगजेब का अर्थ हुंदा तख्त का शिंगार, औरंगजेब शब्द का अर्थ है तख्त का शिंगार। ओए तैनू कोई हक नहीं है औरंगजेब कहाउण दा, तेरे वर्गे तख्तां दे कलंक हुंदे ने, तेरे वर्गे तख्तां दे शिंगार नहीं हुंदे। बेनती कर रहे सां, इस भाई अनक सिंह ने चमकौर की गली विच आ गया। चमकौर मैं फिर एक बेनती करदे हां, शायद तुसा कदे ख्याल कीता होवे, जड़ी चमकौर की गली है ना जिथे गुरु के सिख शहीद होए ने,
लड़के शहीद होए ने, पर उहदा नां कतलगढ़ साहब है। कदे ध्यान दिओ, उस अस्थान का नां कतलगढ़ साहब है। बाकी जिथे भी सिंह शहीद होए ने, बहुतियां थावां दा नां शहीद गंज है, बहुतियां थावां दा नां, लेकिन इत्थे नां कतलगढ़ है। साहबजादे लड़के शहीद होए होवन, गुरु के सिख लड़के शहीद होए होवन, पर ना लिखिया होवे कतलगढ़। उहदा कारण है, कतलगढ़ इसलिए ना रखिया, ऐ जालमा 10 लाख की फौज लैके तू 40 शेरां दे नाल जंग लड़न आया, ओ ये जंग नहीं है, ये कतल है। ये जंग नहीं है, ये कतल है। ये गल वक्री भई, सूरमे ने अमृत जिन्होंने मुख नू लाया, ये ओ सूरमे ने जिन्होंने खंडे विचों जन्म लिया, ये ओ सूरमे ने जिन्होंने कलगी धरते अपनियां जानां वारियां ने, ये गल वक्री भी हथ खड़े करके नहीं आए। पर ये कोई जंग नहीं है, ते सजना एक तू कतल करन वाली बात है। इस कारण करके याद रखन योग बात है, चमकौर दे स्थान नू कतलगढ़ साहब कहा जाता है, जिथे गुरु के सिखा ने जंग लड़िया सी, इत्थे बाहर निकल के जंग लड़दे सन। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सां, उह 40 मुक्तियां विचों इह भाई मनी सिंह दा दुलारा एक उह गुरु का प्यारा है जिहड़ा इस चमकौर साहब दे जंग विच लड़न लई आया, सतगुरां दे कलगीधर पिता जी महाराज दे नाल है। छोटी जी एक बेनती फिर करां, जदों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पिता जी महाराज चांदनी चौंक दिल्ली दे विच शहीद होण लगे, उदों मैं थोड़ा जिहा एक इतिहास पिछोकड़ विच फिर फोलदे हां ताकि गल थोड़ी जी पकड़ विच आ जाए। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे, फिर आप गुरु तेग बहादुर साहब की गल ते अज दे सिख ते गल लेके आउने। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठन लगे, तां उस वेले हुण तक दा जिन्हां ने अग नाल प्रीख्या दित्ती सी उह प्रहलाद सी, या दूजा नां इब्राहिम दा आउंदा है, हजरत इब्राहिम दा आउंदा है। हजरत इब्राहिम नू नमरूद की कचहरी विच हुक्म होया सी भी भख दे अंगियारां ते तुर। उन्हें अरदास कीती, रब्बा मैं भख दे अंगियारां ते कदम रखांगा ते ए मेरे पैर साड़ देणगे, तू पैज रख। उन्हां दा इतिहास कहिंदा भख दे अंगियार गुलाब दे फुल बन गए, ये उन्हां दा इतिहास कहिंदा है। दूजी बारी जिक्र आया भगत प्रहलाद दा, जदों हुक्म होया भी तत्ते थम नू जफी पा, रब दे चरणां विच अरदास कीती मेरी पैज रख लई, उदों जदों पैज रखण लई अरदास होई थम पाड़ के निकलिया ते भयानक रूप होके रब दा निरंकार दी इक ताकत इहो जी पैदा होई, उहने हरनाक्ष नखी बिदारिया, हरनाक्ष नूं नौहां नाल मार के रख दिता। अज गुरु अर्जन पातशाह जी तीजी वारी अग नाल प्रीख्या देण लगे ने, ते उहनां नूं जदों तत्ती तवी ते बैठण लगे, अज तत्ती तवी नूं इह नहीं अरदास कीती तवी ठंडी हो जाए, अज ए नहीं बचन आखियो जालमा इनी अग ना मचा तत्ती तवी ला डोई पई मे तो उत्ते नहीं बैठिया जाना, अज ए नहीं आखिया। अज अज सब कुछ जे सूरज वल वेखीए वह भी तपिया होया, जे अग वल वेखीए वह भी तपी होई है, जे तवी वल वेखीए वह भी तपी होई है, जे गुरदित्ते पुंजे वल वेखीए जिहड़ा रेत पा रहा वह भी तपिया होया, जे करछे वल वेखीए वह भी तपिया होया, जे रेत वल वेखीए वह भी तपिया होया, जिहदे वल मर्जी देख लईए सारे तपे होए ने। अगर सारे तपिया होया विच कोई ठंडा बैठा है, धन गुरु रामदास बीबी भानी का जाया सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह। सारे तपिया होया विच अत दा ठंडा बैठा है। साई मिया मीर ने एक बचन आखिया सी, आके जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा है, उन्हें एक बचन आखिया सी, कहन लगे सतगुरु ए की कर दियो मेरे कोलो देखिया नहीं जांदा। हजूर कहन लगे भलिया अज तेनू देखना ही पवेगा, अज तेनू देखना ही पवेगा, क्योंकि अज मैं शहादत देना, तू देख कदे सिख शहादत देंगे फिर मैं वेखांगा, अज तेरे कोल वक्त है, अज मैं शहादत देना तू वेख कदे सिख मेरी अखां दे सामने शहादत देंगे फिर
फिर मैं वेखांगा, फिर मैं वेखांगा जे अज मैं सिर को डोल गया कल सिख सिर को डोल जाएगा, कल सिख सिर को डोल जाएगा। ते अज वक्त आया गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी दी अखां दे सामने भाई मती दास आरे नाल चीरिया गया, भाई दयाला उबलदी देग विच उबालिया गया, भाई सती दास रूम बन के ओनू शहीद किया गया। आखिर गुरु तेग बहादुर साहब पिता दी वारी आ गई, ओनू भी अज शहीद करन लगे ने। जदों जालम ने शहीद किया, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक विच तिन्नां सिखां ने जदों सिर कनवा दिता ते गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीद हो गए, शहादत दा जाम पी गए। उदों किसे विद्वान पुरश ने एक बचन लिखिया है, जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल लड़ी विच सांझी करनी चाहुंदा है, ओह इह है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की उस वेले की शहादत नूं मद्देनजर रखदे आ विद्वान पुरश ने एक बचन लिखिया बड़ा प्यारा। कहन लगे भलिया पुरखा, तू अपनी जिंदगी दे अंदर ये गल नूं सोच नहीं सकिया, मेरी सरफरोशी का हशर की नहीं होना। सरफरोशी कहिंदे ने सिर नूं वेचना, फरोशी कहिंदे ने वेचना। मेरी सरफरोशी का हशर की नहीं होना, मैं अपनी कौम के बदले अपना सिर वेच के चलिया, तू देखी इहदा हशर की होना है। मेरी सर फरोशी का हशर की नहीं होना, मौत का व्यापारी बन के भी तेथों जी नहीं होना। मैं इना खून बहा के भी प्यासा जापदा है, तू मैं इना खून बहावांगा तेथों पी नहीं होना। कहन लगे जालमा फिर मैं एक बारी दोहरा दिया, मेरी सरफरोशी का हशर की नहीं होना, मौत का व्यापारी बन के भी तेथों जी नहीं होना। नित दिहाड़े लोगों की मौत भाजन वाले आ, मौत का व्यापारी बन के भी तेथों जी नहीं होना। इना खून डोल के भी मैनू प्यासा जापदा है, तू मैं इना खून बहावांगा तेथों पी नहीं होना। हुण मैं इना खून बहावांगा तू पींदा रही जालमा, तेथों पीता नहीं जाना, मैं इना खून बहा देंगा। इउं प्रतीत हुंदा है जिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उस वेले दी इस मनशा नूं अज गुरु के सिखां ने पूरियां कर दिता, जिन्हां ने एक एक करके गुरु दे लेखे जिंद वारी है। अज वक्त आया गुरु कलगीधर पिता जी महाराज दे नाल, जदों ओ गुरु का सिख अपने वालों पहला उठे नारखां आया चढ़ के, जलो गड़ी दे अंदर ने नारखां चढ़ के आया, एक जबरदस्त खां ओ दूजा ओ आया, तीजा मरदूद, ये तीन बंदे आए ने। पहला सब तो नारखां चढ़ के आया, सतगुरां ने एक तीर छड़िया नारखां थले डिग पिया, दूजा जबरदस्त खां आया ओनू भी एक तीर छड़िया ओ भी थले डिग पिया, तीजा मरदूद आया ओने देखिया भी दोनों का हाल ये कर दिता, गड़ी तो अपना सिर नीवा करके कंध दे ओले अपना आपा लुका के चला गया। याद रखने योग बात है, यह नारखां ओ है, बहुत ध्यान दियो। मैं बेनती करा हुण मेरे बस की गल नहीं, मैं इन्ना कुछ तुहाडे नाल सांझा कर रहा, क्योंकि यह ना याद रखण योग बात ने। यह नार खां ओ है जिहड़ा मलेर कोटले शेर मुहम्मद खां दा सका भरा है। शेर मुहम्मद खां ओ है जिहड़ा वजीर खां दी कचहरी विच जदों साहिबजादियां नूं शहीद करन लगदे ने उदों हा दा नारा मारदा है। इसे नूं बचन आखिया सी भई तूं अपने भरा दी शहादत का बदला ले लै, वह तेरे भरा नूं चमकौर दी गली विच इहदे प्यो ने शहीद कर दिता। और उन्हां अपनी भाषा विच आखिया, नारखा कुछ दिन पहला ही इस गली दे विच चढ़ाई किया सी, उहदा अंत किया सी कलगीधर दे तीर ने, ते अज ओहियो नारखा उसे दा भरा शेर मुहम्मद खां। एक बचन कहिंदा, कहिंदा नहीं जे बदला लेना होएगा मैं इहदे बाप कोलों लवांगा, इहनां उत्ते कहर नहीं करना। बेनती कर रहा सा, अज सतगुरु ने जदों उन्हां नूं वापस रोकिया एक बचन आखिया, कहिंदे सिखा कुछ कुछ जथियां दे सिखां दे जथे बना के बाहर जंग दे मैदान विच जावो, गड़ी दे अंदर जंग नहीं होना चाहीदा, जंग अंदर नहीं आउण देना, गड़ी तो बाहर ही रखना है। और गुरु के सिख सूरमे
जथे बना के बाहर आपा वार लग पे, जंग गड़ी दे अंदर ना आन दिता। अज बदकिस्मती है, अज मैं एक दुख की गल कहनी चाहना, अज बदकिस्मती है, अज जंग गड़ी दे बाहर नहीं हो रहा, अज जिन्ना जंग हो रहा गड़ी दे अंदर हो रहा है, अज जिन्ना जंग हो रहा सिख दा सिख नाल ही जंग हो रहा है, अज जंग बाहर नहीं है। कोई 10 लाख की फौज इन बाहरों नहीं बर्बाद कर रही, ए अंदरों ही बर्बाद हो रहा है। यह गड़ी के अंदर जंग आ गया, हुणे बाहर नहीं लड़दा, हुणे अपने नाल ही लड़दा है। ए सूरमा जालमां नूं ठंड पाउण वाला हुण अपने दी हिक ते गोडा रखदा है। मैं बेनती कर रहा सां, समां नेड़े हो गया, अणगिणत इतिहास दीआं गल्लां ने, बेनती कर रहा सां। सतगुरां ने इन्हां नूं भेजिआ, आखिरकार भाई अनक सिंह ओदी वी वारी आई है, गुरु चरणा विच आज हाजिर होया, साहब मेरे ते भी कृपा करो। गुरु कलगीधर दे चरणा च मत्था टेकिया, साहब ने असीस दित्ती, कहन लगे लोग अपने पुत्रां नूं बड़े सुख आराम देंदे ने सिखा, पर मेरा रस्ता अजिहा है, मैं अपने पुत्रां नूं जंग दे मैदान विच तोरन लग्या होया अंदर बिठा के, ते आप अंदर बैठ के कलगीधर पिता ने रहमतां बरसा के उस भाई अनक सिंह नूं जंग दे मैदान विच तोरिया। चमकौर दी गड़ी दे विच आखिरकार ये जंग होया, उस चमकौर दी गड़ी दे नाल जंग होया, ते उत्थे गुरु के प्यारे ने कुछ समां चारवां दे आहू लाए, ते आखिरकार शहीदी दा जाम पी गया। भाई अनक सिंह दी लाश उत्थे ही पई है। जदों सतगुरु गड़ी छड़ के चले ने, अज भाई दया सिंह एक बचन करदा है, ध्यान देने योग बात है, अज भाई दया सिंह एक बचन करदा है, कलगीधर पिता इन्ने ढेर दे विच ऐस थावां दे उत्ते किते तेरे पुत्रां दीआं भी लाशां पईआं होणगीआं। सतगुरु ओ दुनिया दे पर्दे कज्जण वालिआ, ओ दुनिया ते रहमतां बरसाउण वालिआ, अज खुद दे तेरे पुत्र बिना कफन तो पए ने, मेरे कोल वक्त नहीं, मैं उन्हां ते तेरे दो पुत्रां दे कफन पा दिआं। सतगुरां वचन कीता, कहण लगे दया सिंघा क्यों शर्मिंदा करना है, इस गोबिंद सिंह दीआं कदे अखां नहीं चुकीआं, क्यों चुकाउणा है, सच्चे पातशाह दसो की कारण होया, मैं इहो जिहा की वचन आखिया। साहब आखिया, कहन लगे सजना ओए अज तक मैं अपने पुत्रां ते साहबजादियां विच कोई अंतर नहीं रखिया, अज मेरे साहबजादियां ते कफन पाउण दी गल सोचण वाले आ, जिहड़े बाकी शहीद होए ने ओह मेरे पुत्रां वर्गे नहीं, ओ भी तां मेरे साहबजादे ने, तू किहड़े साहबजादे दी गल करना, जे तू किते साहबजादियां सारियां ते अपना कफन पा सकना तां मेरे पुत्रां ते भी कफन पा दे, जे सारियां ते नहीं पा सकदा तां आ चलीए अपना पिंडा कुछ होर है। सज्जना सतगुरां ने अपने पुत्रां दीआं लाशां विच्चों तीर भी ना कढे, अपने पुत्रां दीआं लाशां विच्चों तीर भी ना कढे। मालक ने कृपा की, जिहड़ी बेनती करन लगा सां, सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज दे प्यारे इस भाई अनक सिंह ने आखिरकार चमकौर दी गड़ी विच उन्हां 40 शहीदां दे विच्चों एक शहीद है गुरु का प्यारा, जिहड़ा भाई अनक सिंह भाई मनी सिंह दा पुत्र है, यह गुरु के प्यारे भाई माई दास दा पुत्र है। आओ प्यार वालिओ, जिन्हां ने एडियां शहादतां दे के सानू इन्ने सुख प्रदान कीते ने, आपां इन्हां ते कर लईए, उन्हां दी याद विच अमृत छक के गुरु वाले बन जाइए, उन्हां दी याद विच अज वचन करिए, सतगुरु तेरा अनक सिंह शहीद नहीं होया, तेरा अनक सिंह अज भी जिउंदा है, ते अज भी वह किसी वक्खरे रूप च तेरी गोद दा आनंद माणदा है। बाकी इतिहास दी लड़ी तुहाडे नाल कल रोज उवें सांझी करन दी कोशिश करांगा। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।